दिवस पे आज हमने ये विसल ब्लोअर ग्रुप के माध्यम से एक प्ले ऑर्गेनाइज किया है, दैट इज सतरंगी सलाम। तो आप सभी लोग से प्रोग्राम को सफल बनाने में सहयोग की अपेक्षा है। शुक्रिया, धन्यवाद। नाटक सतरंगी सलाम। लोगों को लगता होगा कि यहाँ साइंस की क्लास शुरू हो गई है, पर हम तो नाटक करने आए हैं। लेकिन यहाँ पर व्हाट्सएप के जोक्स नहीं आएंगे और ना ही मूवी के डायलॉग्स और ना ही भारी भरकम कंपोजिशन होगी, क्योंकि हम तो यहाँ पे नाटक करने आए हैं। किसी सरकारी दफ्तर में जाओ तो वो हमें पकड़ा देते हैं एक फॉर्म, नाम लिंग पुरुष, और हम मैं हूँ। आर्टिकल 377 अनुसार सेम जेंडर सेक्स गैर कानूनी था, क्या गैर कानूनी था? जो कानून अंग्रेजों ने 1860 में बनाया था वही कानून अंग्रेजों ने कुछ ही सालों में रद्द कर दिया, लेकिन भारत ने वो कानून 2018 तक पाला। 6 सितंबर 2018 को 5 जजों की बेंच ने ये जजमेंट में बताया कि सेम जेंडर सेक्स गैर कानूनी नहीं है। कर लिया
नहीं। मेरा नाम आकाश है। मैं लेकिन इस समाज की मानसिकता को नहीं बदल पाया। क्या हुआ अगर मैं इसे प्यार करता हूँ? पर इसकी समाज हर हिंदुओं के दर से ना तो मैं उस लड़के को बता पाया और ना ही समाज को। बस अब तो यही आशा है कि मेरे इस कदम से मेरे जैसे दूसरे लोगों को अपना प्यार मिले। कौन थी वो लड़की? पापा मैं उस लड़की से प्यार करती हूँ। क्या एक लड़की होकर लड़की से प्यार? अरे क्या हो रहा है यहाँ पे ये सब? समझाओ अपनी बेटी को। हाँ मैं उस लड़की से प्यार करती हूँ, आपको समझिए। अरे लड़की से प्यार? एक लड़की होकर लड़की से प्यार करती हो तुम? हटो, अब ये समझाएगा इसे कि प्यार कैसे करते हैं। माँ ये क्या है? माँ आप लोग मुझे ऐसे क्यों बुला रहे हैं? तो कैसे ऐसे बुला रहे हैं? मेरे से मत देखना, कल भी देख रहे क्या इस इंसान को चाकू ने मारा? क्वेश्चन मार्क। बच्चा मर गया क्या? जिंदा है। अरे देख क्या रहा है, जाके जलेबी लेके और बांट सबको। मुझे पता था उसको लड़की होगी, लड़की नहीं है। मतलब लड़का हुआ है, मुबारक हो, पता ही था लड़का ही होगा। लड़का भी नहीं है। लड़का भी नहीं हुआ है, लड़की भी नहीं, मतलब तो देखो मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ऐसे बच्चों को ले जाते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं बुला लेता हूँ। ट्रांसजेंडर आजीबा नंबर। उनके पैदा होते ही सभी के साथ भेदभाव शुरू हो जाता है। उनको घर से निकाल दिया जाता है और वो पढ़ लिख नहीं पाते। अगर वो पढ़ लिख लेते भी है तो उन्हें कोई नौकरी नहीं देता, इसीलिए वो सेक्स वर्क में जुड़ते हैं और भीख मांगने लगते हैं। ये भेदभाव सिर्फ एलजीबीटीज के साथ नहीं होता, उस लड़के के साथ भी होता है जिसकी मूंछें नहीं आती, उस लड़की के साथ भी होता है जिसके बाल छोटे होते हैं, उस लड़के या लड़की के साथ भी होता है जिसकी चाल टेढ़ी होती है, उस लड़के के साथ भी होता है जिसकी ब्रेस्ट नहीं चेस्ट होती है। अरे देखो देखो, मैंने तो सुना है इसका लड़का गे है। भाई उस दिन इसका बेटा तो बता रहा था कि वो तो गे है गे। उसकी तो मुझे भी नहीं आती नामर साला। अरे, अरे देखो देखो कैसे लड़कियों की तरह चल रहा है।
अरे उसे तो शर्म आनी चाहिए कि उसका बेटा गे है। उसे तो शर्म आनी चाहिए कि मेरा बेटा गे है। हाँ मेरा बेटा गे है। किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करके अपने आप को मर्द कहने वाले लड़कों से अच्छा है कि मेरा बेटा गे है। और मुझे गर्व है कि मेरा बेटा गे है। अगर हर माँ बाप ऐसी सोच रखेंगे तो हर एलजीबीटी अपने माँ बाप को बता पाएगा कि वो एलजीबीटी है। गे होना कोई बीमारी नहीं है। ट्रांसजेंडर कोई तीसरी दुनिया से नहीं आए। एलजीबीटी कोई विकृति नहीं है और ना ही ये पश्चिमी संस्कृति का अनुकरण है। ये एक जैविक प्रक्रिया है। माता के गर्भ में 23वां रंगसूत्र ये तय करता है कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। जब XX रंगसूत्र मिलते हैं तब पैदा होता है लड़का और जब XY रंगसूत्र मिलते हैं तो पैदा होती है लड़की। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस में XX के साथ Y जुड़ जाता है और XY के साथ Y जुड़ जाता है तो पैदा होते हैं ट्रांसजेंडर। इसमें ट्रांसजेंडर की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। जब भी कोई LGBT आता है सबका मुंह टेढ़ा हो जाता है, हमारे पेट में गुदगुदी शुरू होने लगती है, सब लोग हंसने लगते हैं जैसे आप लोग हंस रहे थे ना। और आप लोगों के हंसने के कारण दुनिया में 42% LGBT हर रोज सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं और उसमें से 30% सक्सेस होते हैं। आपकी हंसी किसी की मौत बन सकती है। तो हंसिए मत, मुस्कुराइए। अगर वो आपसे कहे कि वो LGBT है, हर रंग की अपनी अलग पहचान होती है, हर रंग की अपनी सुंदरता होती है, जैसे आपका अस्तित्व है वैसे हमारा भी है। आप सभी लोग हमारा सतरंगी सलाह।